हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वर्षा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द 1410 एकेडमी। तो आज के वीडियो के अंदर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि रिलेटेड है जियोमेट्री से, यानी कि भूमिति से। अब ये जो क्वेश्चन है उसे हमारे एक दोस्त ने भेजा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसके अलावा इस क्वेश्चन की जो खासियत है वो है ये है कि इस क्वेश्चन को आप एक थ्योरम के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो हम इंग्लिश में करेंगे, यानी कि जो इसका स्टेटमेंट है जो मैं इंग्लिश में लिखूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन जो है वो हिंदी में समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन की फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आप इसे समझ सके। तो मान लीजिए कि एक आपको ट्राइंगल दिया हुआ है जिसका नाम है PQR। अब ये जो PQR साइड है, ठीक है, उसे मैं थोड़ा आगे खींच रहा हूँ और यहाँ पे एक पॉइंट का नाम दे रहा हूँ S, ठीक है। अब और क्या दे रखा है आपको कि ये जो PQR एंगल है, ठीक है, PQR जो एंगल है, ये एंगल है, इसका आपको एक एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है। इसका आपको क्या दिया हुआ है? एक एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है एंगल बाइसेक्टर। अब ये जो एंगल है दूसरा PRS, ये वाला जो एंगल है, इसका भी आपको एक एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। और ये दो पॉइंट जहां पर भी ये दो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, वो जहां पे मिल रहे हैं उसका मैं नाम दे रहा हूं टी, ठीक है। इतना आपको मतलब कि डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। तो इसको हम इंग्लिश में लिख देते हैं, ठीक है, कि QR साइड ऑफ अ ट्राइंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट S, ठीक है। इसके अलावा क्या दे रखा है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है PQR का और PRS का, तो वो दे रखा है कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, ये जो PQR है उसका एंगल बाइसेक्टर एंड एंगल PRS मिट्स, ये दोनों की जो एंगल बाइसेक्टर है ये और ये कहां पे मिल रहे हैं? टी पे। तो मिट्स एट ए पॉइंट टी, ठीक है। इतना आपको डेटा दिया हुआ है, तो आपको प्रूफ क्या करना है? तो आपको प्रूफ ये करना है कि ये जो एंगल होगा टी आर एस, जो एंगल होगा, तो एंगल टी आर एस एंगल जो होगा, नहीं सॉरी, आपको क्या प्रूफ करना होगा कि ये जो एंगल होगा कि ये क्यू टी आर एंगल जो होगा, ये एंगल जो क्यू टी आर होगा वो किसके बराबर होगा? तो ब्लैंक। यही आपको क्या करना है? प्रूव करना है कि एंगल QTR जो होगा वो किसके बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन है, आप इंग्लिश में भी लिख लीजिए और हिंदी में भी लिख लीजिए, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है? QTR जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। पहले मैं इसका आपको आंसर दे देता हूं। आंसर क्या होगा कि ये जो एंगल होगा QTR वो क्या होगा? हाफ होगा थीटा बाय 2। मान लीजिए कि ये जो एंगल होगा, ये P एंगल जो होगा, मान लीजिए वो थीटा होगा, तो ये क्या होगा? थीटा बाय 2 होगा। यानी कि मैं इसका आंसर आपको दे देता हूं कि एंगल जो होगा QTR वो क्या होगा? 1/2 होगा, आधा होगा किसका? ये एंगल का, यानी कि QPR का हाफ होगा किसका? QPR का होगा। तो ये आपका जो है वो आंसर आएगा। आप ये थ्योरम जो है याद भी रख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम प्रूव करते हैं कि इसको कैसे प्रूव करते हैं। तो देखिए, अब ये जो QT है, ये QT जो लाइन है वो क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। किसका एंगल बाइसेक्टर है? PQR का। यानी कि एंगल बाइसेक्टर को आप समझ लीजिए कि भाई जो भी एंगल को बाइसेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि दोनों जो एंगल होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। मान लीजिए PQR ट्राइंगल था और QT इसका बाइसेक्टर है, तो ये एंगल अगर 30 होगा तो ये भी एंगल कितना होगा? TC होगा, ठीक है। यानी कि ये जो एंगल दो होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि PQR जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा? 1/2 मतलब कि PQR जो होगा वो क्या होगा? डबल होगा किससे? इस एंगल से, QTR से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये जो PQR एंगल जो होगा, PQR एंगल जो होगा वो क्या होगा? 1/2 होगा किसका? PQR का। 1/2 होगा PQR का, वो क्या होगा? 1/2 होगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? ये 2 होगा, दुगना होगा TQR, ठीक है, PQR।
होगा, ये आपका जो है वो इक्वेशन आप वन लिख लीजिए इसको, ठीक है, कि जो PQR एंगल जो होगा, PQR एंगल होगा वो TQR का क्या होगा, डबल होगा, ठीक है, ये हो गया। और इसी तरह से ये जो TRT है, ये RT है, वो भी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, किसका एंगल बाइसेक्टर है, PRS का एंगल बाइसेक्टर है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं कि ये TRS जो होगा, ये एंगल TRS जो होगा वो क्या होगा, आधा होगा किसके एंगल से, कि PRS से, वह हाफ होगा PRS से, क्यों होगा, क्योंकि ये भी जो है एंगल बाइसेक्टर है किसका, PRS का, तो ये एंगल 60 होगा, तो ये भी एंगल 60 होगा, तो मतलब कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये जो TRS है वो क्या होगा, आधा होगा PRS से, तो यहां से हम इसको इस ये दो को इस साइड ले जाए तो क्या होगा, दो TRS होगा इज इक्वल टू PRS, ये जो होगा आपको, मान लीजिए कि ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज है जो आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ओके। अब इसके अलावा यहां पे काम की और क्या चीज है, देखिए कि इस ट्रायंगल को मैं अगर लूं, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है जो है आप लिख लीजिएगा, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टीज है, ये तो पहली कि दो हो TQR इज इक्वल टू क्या होगा, PQR होगा, और ये जो होगा कौन सा, TRS इज इक्वल टू क्या होगा, PRS, ये दोनों प्रॉपर्टीज है वो हम काम में लेंगे, ठीक है, यहां से मैं मिटा रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। अब आगे हम चलते हैं, एक और चीज हमको समझनी पड़ेगी, देखिए, क्योंकि यहां पे मैंने बेसिक आपको अभी ज्योमेट्री के नहीं सिखाया, तो ये एंगल मान लीजिए कि ए है, ये बी है, और यहां पे मैं आगे खींच रहा हूं ये सी है, ठीक है, तो ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, एक्सटर्नल एंगल होगा, ये क्या होगा, एक्सटर्नल एंगल होगा किसका, सी का, ठीक है। तो आपको ये समझनी होगी कि बात समझनी होगी कि ए होगा और ये बी होगा, तो ए प्लस बी, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर क्या होगा, तो इन दोनों का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये सी है, इन दोनों इंटरनल एंगल का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये सी है, तो ये सी का एक्सटर्नल एंगल कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि दो इंटीरियर एंगल जो होंगे उसका जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, उनके ऑपोजिट एंगल के एक्सटर्नल एंगल के बराबर, यानी कि एंगल ये होगा, ये ए सी, और मान लीजिए यहां पे मैं ओ नाम दे रहा हूं, तो ए सी ओ के बराबर होगा, ए सी ओ के बराबर होगा, ठीक है। तो इन दोनों का सम जो होगा वो इसके क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टीज जो है आपको यहाँ पे यूज करनी होगी, कैसे, कि मान लीजिए कि ये PQR ट्रायंगल है, ठीक है, अब ये एंगल P है और ये एंगल Q है, तो इसका जो सम होगा वो ये PR जो है R के एक्सटर्नल एंगल के बराबर होगा, यानी कि क्या किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं कि एंगल P, और P को हम क्या लिख सकते हैं, QPR लिख सकते हैं, तो एंगल QPR प्लस ये एंगल Q को हम क्या लिख सकते हैं, PQR लिख सकते हैं, तो यहां से मैं लिखूंगा PQR, और वो किसके बराबर होगा, तो वो होगा इसके बराबर, वो होगा इसके बराबर, तो ये एंगल कौन सा है, PRS के बराबर है, तो एंगल हो जाएगा PRS, ओके। अब यहां से ये प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी होगी जो हमने आगे साबित की है, प्रूव की है, कि PQR को हम क्या लिख सकते हैं, TQR, वो भी कितना, दुगना, तो यहां पे जो होगा PQR, इसको हम क्या लिखेंगे, दो TQR, यानी कि PQR, यहां पे जो होगा QPR प्लस हम क्या करेंगे, इस PQR की जगह हम क्या रखेंगे, दो TQR, तो ये होगा दो TQR होगा इज इक्वल टू क्या होगा, PRS की जगह हम क्या लिख सकते हैं, दो TRS, तो यहां पे होगा दो एंगल TRS, ठीक है। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए, ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम क्या लिख कर सकते हैं, कि मान लीजिए कि हम ये ट्राइंगल ले, ये ट्राइंगल कौन सा है, TQR ट्राइंगल, TQR ट्राइंगल के अंदर हम बात करें तो ये एंगल जो होगा कौन सा एंगल, ये एंगल होगा और ये एंगल होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, इस जो इसका थर्ड एंगल है, मतलब कि ऑपोजिट एंगल है, ये इसके एक्सटर्नल एंगल के बराबर, मतलब कि ये एंगल होगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि एंगल QTR, तो इससे आगे हम किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे TQR ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एंगल कौन सा होगा, QTR होगा, तो एंगल QTR प्लस कौन सा होगा, एंगल ये TQR होगा, एंगल TQR
आर उसका दोनों का सम किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल है उसके बराबर टी आर एस के बराबर एंगल होगा टी आर एस, ठीक है। तो देख लीजिए ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, इसको अंदर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे भी टी क्यू आर है, यहाँ पे भी टी क्यू आर है, यहाँ पे भी टी आर एस है और यहाँ पर भी टी आर एस है। तो मतलब यहाँ पे अगर इन दोनों इक्वेशन की मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या होगा, ये चीजें जो है कॉमन वो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, पर इसके लिए यहाँ पे दो है और यहाँ पे एक है, तो इसके वजह से मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो दूसरा इक्वेशन है इसको आप चार नंबर दे दीजिएगा, इसको मैं क्या कर दूंगा, दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे भी दो आ जाएगा, यहाँ पर भी दो आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इनका अगर सब्ट्रैक्शन करूं तो क्या हो जाएगा, ये भी टी आर एस है और ये भी टी आर एस है, ये दो टी आर एस है, ये भी दो टी आर एस, तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगी, ये दो टी क्यू आर है, ये दो टी क्यू आर है, तो ये भी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास बच रहेगा क्या जाएगा कि ये क्यू पी आर एंगल होगा, क्यू पी आर होगा और माइनस होगा, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये कौन सा होगा, ये सारी माइनस हो जाएंगी, तो ये जो होगा वो माइनस हो जाएगा, अब माइनस होगा बराबर, तो उस साइड जाए तो प्लस हो जाएगा, तो इक्वल लिख सकता हूं किसके बराबर, दो एंगल क्यू टी आर के बराबर, ठीक है। तो यहां से आप समझ गए होंगे हमें साफ प्रूव क्या करना था कि एंगल जो क्यू टी आर होगा वो किसके बराबर होगा, तो यहां से मैं वन हाफ इस बात ले लू तो क्या आ जाएगा, वन हाफ QPR, one half QPR is equal to क्या होगा, एंगल QTR, जो कि हमारी जो स्टेटमेंट थी वो प्रूफ हो गई, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसका प्रूफ दे सकते हैं, लेकिन प्रूफ ना देते अगर एग्जाम में आ जाए तो ठीक है आप प्रूफ दे सकते हो, अदरवाइज आपको याद ही रखना होगा कि ये तो ये एंगल है और ये एंगल है, ठीक है। अगर इसका एंगल बाइसेक्टर में आगे खींचू और इसका अगल आगे एंगल बाइसेक्टर में खींचता हूं और ये दो एंगल्स बाइसेक्टर अगर किसी पॉइंट पे मीट हो जाते हैं, अगर दो साइड मीट होगी तो क्या होगा, एक एंगल क्रिएट होगा, तो ये जो यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होगा वो क्या होगा, थीटा बाय टू होगा, यानी कि आधा होगा, किस से, तो यहाँ पे जो एंगल होगा उससे, अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, थीटा बाय टू, ठीक है। अब यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है उसकी बात करें, तो मान लीजिए कि ये एंगल आपको अगर दिया हुआ है 80, कितना दिया हुआ है 80, और ये एंगल आपको पूछ लिया जाए तो ये एंगल कितना होगा, उसका आधा होगा, यानी कि 40 होगा, ठीक है। अगर उल्टा भी पूछा जा सकता है कि ये अगर 40 है तो ये एंगल कितना होगा, तो ये होगा 80, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है और इसी तरह से इसमें से अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकते हैं और अलग क्वेश्चन ना बने तो यही क्वेश्चन के तौर पे भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको एग्जाम में देगा कि क्यू टी आर होगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे ब्लैंक दिया दीजिए, यहाँ पे ब्लैंक दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप जो है वो क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।